हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फोटोशॉप में पासपोर्ट फोटो कैसे बनाएं। सबसे पहले अपन ने अपना फोटोशॉप खोला और यहाँ से ओपन किया। यहाँ की देखिए मेरी फोटो डेस्कटॉप पे डली हुई है पहले से, इसको ओपन किया तो अपन को सबसे पहले इस तीरा बजाना है जो क्रॉप का चिन्ह है, और यहाँ पर साइड आते हैं 1.22 और अगले में डालना है 1.62 और जो लास्ट का उसमें डालना है 300। चलिए आप इसको क्रॉप करते हैं, ए क्रॉप हुई। तो अपन को थोड़ी ब्राइटनेस देना है, इसमें कंट्रोल दबाइए फिर एम दबा दीजिए, थोड़ी सी हल्का से ऊपर करें और इसको एंटर कर दिया। अब अपन को थोड़ी सी और जूम लेना है ऐसे। चलिए ठीक होगी, अपन दीजिए ऑप्शन लेके यहाँ पर टिक किया और इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। तो जो यहाँ पर जो साइज देख रहे हैं आप, इसको अपन मिनिमम 30 कर दें और इसको शायद इसको भी 30 कर दें। अब यहाँ पर देखिए जो कलर मैंने चुना था उसी कलर के हिसाब से बराबर होते जा रहा है। चलिए देखते हैं, अब अपन को जो यहाँ पर फिल्टर दिख रहा है ना, ये ऑप्शन पे सेल्फ पे कर देना है। तो देखिए फोटो की और भी क्वालिटी अच्छी से आ गई है और अब जी अपनी फोटो कंप्लीट हो चुकी है। तो अपन को कंट्रोल दबा के एन दबाना है ताकि इससे न्यू पेज आ सके। तो अपन को यहाँ पर लेटर पे करना है और लेटर पे करके ओके कर देना है। इस फोटो को उठा के यहाँ से यहाँ पर डाल देना है। अब अपन को उस पर बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाना है तो इस पर एडिट पे जाइए और यहाँ पर देखिए स्ट्रोक लिखा है, स्ट्रोक लिखा है यहाँ पर टिक कर दीजिए और यहाँ पर जो लाल रंग का जो कोई भी रंग हो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर काला रंग का यहाँ पर कर दें और इसको ओके कर दें। और जो 30px दिखाया है यहाँ पर अपन को ओनली 10 करना है, 10 एंटर। हाँ देखिए बॉर्डर लग गया। अब अपन को अल्ट के साथ लेना है तो इसके इसको खींच कर डबल करना है। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में देखें कि फ़ोटो में फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। फ़ोटो 5, 7, 4, 6, 8, 12 हर प्रकार के फ़ोटो की अगले वीडियो में आपको डिजाइनिंग दी जाएगी। धन्यवाद।